आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। लीजिए, 8 बज चुके हैं और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं लेकर आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। हम यानी आरजे सैफ और आप यानी हमारे मोतबर मोहतरम लिसनर्स, श्रोतागण, सामईन। दोस्तों, कुदरत की बनाई हुई जो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि लिविंग क्रीचर्स या प्राणवान जो तखलीक है, जिंदा जो चीजें कुदरत ने बनाई, उनमें से सिर्फ इंसान ही एक ऐसी तखलीक है, जिसको हम अशरफुल मखलूकात कहा करते हैं, जिसके दिल में दर्द है, यानी दूसरों के प्रति दर्द है, जो दर्द का एहसास कर सकता है, जो दर्द को महसूस कर सकता है, और उस दर्द का निदान, उसका इलाज भी इंसान ही ढूंढ सकता है। इंसान ही वो खलकत है जो इसके दिल में इमोशंस हैं, जज्बात होते हैं, जिसको एहसास है। इंसान ही है जो इंसान का, दूसरे इंसान का दर्द दूर करने के लिए किसी भी मकाम तक जा सकता है, और उसकी खुशियों को लाने के लिए कोई भी अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर अर्श तक कोई भी मंजिल उसके लिए मुश्किल नहीं है। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा, किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा, किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, जहाँ पे जमीन आसमां छू रही है, वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा, कई बार देखी है सिंदूर शाम, सिंदूरी शाम उफक से परे जगमगाती हुई, कई बार खामोशियों में सुना है, गुजरती है मुझको बुलाती हुई, गुजरती है मुझको बुलाती हुई। जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा, Thank you.
बहुत बार सोचा ये सिंदूर रोगन, बहुत बार सोचा ये सिंदूर रोगन, जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे बिछा दूँ ये सूरज के जर्रे, जमीन पे मिले तो एक और आसमां मैं जमीन पे बिछा दूँ, एक और आसमां मैं जमीन पे बिछा दूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो ये था दोस्तों जमीन से आसमान तक का सफर, जो ये साहब इंसान की और इंसानियत की खिदमत करने के लिए, उसकी खुशियों को ढूंढ लाने के लिए कर रहे थे। तो देखिए, बहुत ही खुशी है हमें कि इस वक्त सिलसिला चल चुका है हमारे पास लिसनर्स का। एक लिसनर हमारे साथ आते हैं, आइए उनसे मिलते हैं। जी नमस्कार, मैं रतिकांत महंतो एनटीपीसी टांडा से बोल रहा हूँ। जी आपका स्वागत है, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं इस शो में इस वक्त आकर। अभी तो रेडियो ही अभी साथ है, बाकी अभी परिवार गांव गए हैं तो मैं अकेला हूँ। इसलिए जी तो रेडियो के पास मैं हमेशा रहता हूँ और प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। बताइए आज आपसे कुछ बच्ची आवाजें और कुछ शोर जी। कुछ शांत सा माहौल है, क्या बात? हाँ, बच्चे अभी सब गांव गए हैं क्योंकि साल भर वो लोग के बाद उनको छुट्टी मिली है, तो वो लोग जिद भी कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि गर्मी में ना अच्छा। जाना, ठंडी अगर हमें जाएंगे, लेकिन वो बोले साल में छुट्टी लंबा छुट्टी यही मिलती है, हम जाएंगे। सब ठीक है तब। अच्छा तो बताइए, मतलब उनको गर्मी उतना तकलीफ नहीं है लेकिन उनको गांव जाने की बड़ी इच्छा थी। देखिए वहाँ पर जो वातावरण होता है वो शायद हमारे इन शहरों में इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। जी 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 इसीलिए बच्चे खुश रहें, गर्मी का जरा ख्याल रखें क्योंकि वहाँ उड़ीसा में आपकी गर्मी बहुत ज्यादा है। आप ताकीद कीजिएगा अपनी पत्नी को कि जरा बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि बच्चे छोटे हैं। जी सर। तो अब आप ये बताइए कि उन तीनों के नाम आप कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहते हैं? एक बड़ा प्यारा सा गाना है
इतनी सौ बार करती हूँ मैं डैडी से प्यार करती हूँ, ये गाना खास तौर पे मेरे दोनों बेटियाँ दूर हैं तो उनके लिए मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल साहब, हम आपका पसंदीदा यह गीत जरूर पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ रुके रहें और ये क्लाइमेक्स पॉइंट है जो कि हम चाहते हैं थोड़ी देर और बना रहे। आइए एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इस गीत के बाद आपकी फरमाइश को लेकर। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख भजन बिकल जाए रे, अरे रे 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 चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। Thank you.
चली जाए, मार न दे टंक नजर को यहाँ। दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिस्टिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सच्चाई जिस तरह इस दुनिया की सच्चाई इंसान है, जिंदगी है, सांसें हैं, उसी तरह से एक सच्चाई ये भी है कि इंसान की ज़िंदगी में प्यार करने वाला, जहाँ तक अगर हम औलाद को समझें तो ज़्यादातर बेटियाँ होती हैं जो पेरेंट्स को, खासतौर पे डैडीज़ को, पापास को बहुत प्यार करती हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शायद रतिगान जी ने भी अपनी बेटियों को ये सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए हमें कहा कि बड़ी प्यारी सी दो बेटियां हैं उनकी, जो इस वक्त उनके गांव में उड़ीसा में मौजूद हैं। तो आइए रतिकांत जी के साथ साथ हम भी उन बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप और तमाम बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप ये गीत पेश करते हैं। आइए सुनते हैं।
कहने दे मम्मी से क्या प्यारा है डैडी से जब
डैडी कैसे हैं? बिल्कुल मम्मी जैसे हैं, बिल्कुल मम्मी जैसे हैं। देखा ना तू हार गया, हाल तेरा वार गया, मैं यूं ही तकरार करता हूँ, मैं यूं ही तकरार करती हूँ, हम यूं ही तकरार। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजे लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ, एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिंदगी में पूरे परिवार में मम्मी और डैडी दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। डैडी जहाँ पैसा कमा कर लाते हैं, बाहर के सारे काम करते हैं और जितने भी बाहर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर की तमाम जिम्मेदारियाँ, बच्चों को कैसी तरबियत दी जानी चाहिए, बच्चों को किस चीज़ की, बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके डैडी को भी किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और किसको कब क्या देना है, किसको किस तरह से मनाना है, किसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब मम्मी के हाथ में होता है। इसलिए दोनों लोग इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, मम्मी डैडी बनने से पहले की बात जरा कर ली जाए। जब हम लोग मम्मी डैडी बनने के सपने देख रहे होते हैं और उस वक्त हमारे मन में जो हलचल होती है, जो हमारे मन में जो तूफान उठते हैं अपने फ्यूचर के, अपने मुस्तकबिल के, अपने भविष्य को लेकर, वो बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे प्यारे से तूफान होते हैं और हर जोड़ा ये चाहता है कि ये तूफान बढ़ते रहें और बढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि thank you.
अब दिल में न मचलेगा दीवाना कोई दिल का, अब दिल में न मचलेगा दीवाना कोई दिल का। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं किसी लड़की से प्यार करता था, मगर वो मुझे छोड़ के चली गई है और तब से मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं डिप्रेस्ड हूँ, एक एक पल जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या सलूशन है मेरी इस प्रॉब्लम का? आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आपको ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट्स उसे सुनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दवाई से ज्यादा काउंसलिंग की आपको जरूरत है और वो चीजें आपको यहाँ मिल सकती हैं। तेरे खुशबू बसे खत Only for broken hearts। 4 अप्रैल 2018 से Every Wednesday at 10 p.m. And repeat broadcast Every Thursday at 5 p.m. Only on Radio Udaan। निगाहें बचा कर जो चलते हैं मुझसे, निगाहें बचा कर जो चलते हैं मुझसे, कभी उनको मुझसे मोहब्बत हुई थी। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी दोस्तों, वक्त बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है और वक्त के साथ साथ गर्मी की शिद्दत भी
दिल्ली में बढ़ती जा रही है। दिल्ली में क्या, पूरे देश के काफी हिस्सों का ये हाल है। तो हमारे साथ एक लिसनर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनके शहर का क्या हाल है, उनके शहर का मौसम कैसा है और वो क्या सुनना चाहते हैं। आइए उनकी तरफ चलने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसा मौसम है आपकी तरफ? मौसम तो बहुत गर्म ही है वैसे तो, लेकिन सुना है आज तो दिल्ली में बहुत गर्मी थी, अप टू 47 टेम्परेचर बता रहा था, तो शुक्र है ज्यादा ही शुक्र है कि आपने 74 नहीं कह दिया, न जाने 47 तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहाँ हो रहा होता है। बहुत गर्मी है। जब मैं 7 बजे चेक कर रही थी तो भी 40 डिग्री बता रहा था, हमारे यहाँ तो फिर 36-35 इतना टेम्परेचर है अभी तो, अभी तो और भी कम है वैसे, बट लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत है, धूप भी बहुत है, मतलब बाहर जाओ ऐसे तो दिन में देखो ऐसे एक आवाज नहीं आती, ना कोई गाड़ी की आवाज, ना कोई बाहर रोड पे दिखता है, एकदम जैसे सन्नाटा सा हो गया, एकदम शहर बिल्कुल सुनसान सा हो गया धूप के कारण। देखिए ये कर्फ्यू मौसम का लगाया हुआ है जिसने सारे रोड्स को खाली कर दिया, सूना कर दिया, और वाकई आप सही कहती हैं, कभी कभी हमें ऑफिशियल काम से बाहर जाना होता है तो वहाँ यही देखने को मिलता है कि सिर्फ रोड पर हमारी गाड़ी चल रही होती है और बाकी गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। जी बिल्कुल, और पक्षियों की भी बहुत कम आवाज़ सुनने में आती है, तो वैसे मैं भी करती हूँ, सभी से भी कहना चाहूँगी कि अगर हो सकता है तो कोई दो छोटे छोटे बाउल में अपनी छत पे पानी जरूर रखिएगा, और जो उड़ते पक्षी हैं उन्हें कहीं पानी मतलब अगर दिखता है तो वो पी भी लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सूखा है हर जगह पर, बहुत धूप भी बहुत तेज है, कितना भी पानी पी लो हम जैसा कि ही प्यास मतलब गला से लगता है कि पानी पिया ही नहीं जैसे 2 मिनट के बाद जी। तो जो जानवर हैं उनके लिए भी अगर आप कुछ कर सको, कहीं पे पानी स्टोर करके उनके लिए सेव कर सको, तो ये चीज़ आप लोग सभी ज़रूर करिएगा। और जैसे गर्मी है, पानी की बात निकली है, तो मैं गाना भी ऐसा ही सुनना चाहूंगी साहब सर, एक संजीव कुमार का आई थिंक ये गाना होगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जी हाँ, ये गाना मैं सुनना चाहूंगी। ये गाना, ये गीत जो है फिल्म पति पत्नी और वो से है, जिसमें महेंद्र कपूर साहब के साथ आवाजें दी हैं आशा भोसले जी, और उस समय की सुषमा श्रेष्ठ, आज की पूर्णिमा इन्होंने। ओके, तो आइए ये गीत सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का मीन अली। थैंक यू सर। जारो मास्टर, जरा इसको उस तरफ कर दीजिए, हमारी वाइफ को छोड़ दीजिए, आपको मनी जितना चाहिए ले लीजिए। नो मनी, पिक्चर। यस, मेरा ख्याल है आज इसको पिक्चर दिखाई दें। क्या टाइम हुआ है? 5:30, 1 घंटा बाकी, पहले नहाते हैं फिर चलते हैं। ओके, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो। ओ हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए गाना चाहिए, उतरा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा तुम्हारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक पीछे बनाओ, देखिए चाय लेकर ये घर भैया है ठीकर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए, तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो,
जरा नहालो, दो चार गीत गालो, दामन हो क्यों बचाती, अरे सुख के हम है साथी। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए, हाँ गाना आए या न आए गाना चाहिए। लंबी ताल छोड़ो, ताबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, कह दो पड़ोसियों से झांके न खिड़कियों से, दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया, पर कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, disabled or non-disabled, if you are in search of a life partner or a friend, here is an opportunity for you. वो कैसे? वो ऐसे, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा इनक्लाव, an inclusive app जो मिलाती है आपको आपके मन चाहे जीवन साथी से। My name is Tanya. I suffer from complete blindness in both my eyes. I made my profile on inclaov app after hearing about it on radio channel. Thanks to inclaov app, I have met new people and have been able to find life partner for myself. मेरा नाम विशाल है। मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे लिए लड़की ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे रेडियो उड़ान से इनक्लव ऐप के बारे में पता चला और मुझे मिला मेरा मनचाहा जीवन साथी। थैंक्स टू इनक्लव एंड रेडियो उड़ान। तो इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें इनक्लव INCLOV प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.inclaov.com और यू कैन कॉल टू 8208584524। हैप्पी मैच मेकिंग। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपने ठंडा ठंडा गीत सुना, हमें भी बहुत मज़ा आया और आपको भी मज़ा आया होगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे उन सपनों की जो कि मम्मी डैडी बनने से पहले के सपने होते हैं, और उन्हीं सपनों में से एक सपना ये होता है कि हम शादी से पहले एक और ख्वाब देखते हैं जिसमें हम घर बनाने से लेकर घर बसाने से लेकर बच्चों के होने और उनके बड़े होने तक की बातें कह जाते हैं, यानी अपनी मैरिड लाइफ से लेकर शुरुआत से लेकर यानी और आखिर तक यानी अपने बुढ़ापे तक की बातें हम उन सपनों में सोच लेते हैं और देख लेते हैं। किस तरह, वो कुछ यूं। Thank you.
बस एक आशिया थोड़ी सी जमीन। बिट्टू हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो
हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, तकरीबन वक्त हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का हो चुका है। हम एक गीत उन जोड़ों के नाम पेश करेंगे जो कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और महबूब खास तौर पे जो